दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज हम आके बैठ गए हैं किया सोनेट SDK में। आज बात करेंगे इस गाड़ी की डिटेल में। बात करूं अगर सबसे पहले इसके प्राइस की, तो इसका प्राइस है 7.79 लाख एक्स शोरूम। इसके मेजर कॉम्पिटिटर्स की बात करूं, तो आपको पता ही है मिनी SUVs का सेगमेंट आजकल बहुत ज़्यादा डिमांड में है और मिनी SUVs सेगमेंट में 10 गाड़ियां आती हैं। मेजर राइवल की बात करें तो सिस्टर कंसर्न हुंडई वेन्यू का S वेरिएंट इस वेरिएंट से बिल्कुल कम्पीट करता है और उसका वीडियो भी चैनल पे लाइव है, आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं, उसका लिंक इस टाइम आ चुका है कार्ड्स में। इसके अलावा एंड में वर्डिक्ट की ज़रूर वेट करिएगा, वर्डिक्ट में आपको बताएंगे कि आपको कौन सी गाड़ी कंसिडर करनी चाहिए और क्यों। चलिए चलते हैं गाड़ी के वॉक अराउंड की तरफ। सबसे पहले कीज चेकआउट करा देते हैं। फ्लिप की और रिमोट की दे दी गई हैं दोनों, आप देख सकते हैं, जबकि राइवल में एक की मैनुअल आती है। वाइट कलर किया सोनेट SDK आपके सामने है। और चलिए सबसे पहले इसका इंजन बे देख लेते हैं। तो ये आपके सामने है किया का नया लोगो। माफ़ी चाहूँगा, लाइटिंग का थोड़ा इशू आ रहा है, बट आपको सारी चीज़ें पूरी तरह से दिखाने की कोशिश करेंगे। इंसुलेशन प्रोवाइड नहीं करी गई है, 83 PS की पावर और 115 Nm का टॉर्क। चलिए अब लाइटिंग सेटअप चेकआउट करा देता हूँ आपको। हालांकि इसमें भी हैलोजन आते हैं और वेन्यू में भी हैलोजन हेडलैम्प्स आते हैं, बट लुक्स के मामले में अगर बात करें तो कहीं ना कहीं सोनेट बाजी मार के ले जाती है। ये आप देख सकते हैं, हाई और लो बीम दोनों इसी में रखे गए हैं और साथ ही इंडिकेटर्स भी इंटीग्रेट कर दिए गए हैं हेडलैम्प्स के अंदर ही, आप देख सकते हैं, जबकि वेन्यू में ये एक सेपरेट आते हैं। उसके अलावा बात करूँ अगर साइड फेंडर की, सिर्फ लाइटिंग की बात कर रहा हूँ अभी यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं फेंडर पर इंडिकेटर की प्लेसमेंट करी गई है सेम एज वेन्यू, यहाँ पे कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। और चलिए ये तो कुछ बात हो गई फ्रंट लाइटिंग की, मिरर पे कोई लाइटिंग नहीं है। अब चलते हैं गाड़ी के वॉक अराउंड की तरफ। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको दिखाना चाहूँगा वो है ये एलुमिनियम फिनिश में आपका नया किया का लोगो। ये फ़ोटोज़ में कम दिखाई दे रहा था, बट यहाँ पर देखने में अच्छा लग रहा है। यहाँ पर आपको ग्रेश फिनिश में एक ग्रिल की गार्निश मिलेगी, ब्लैक कलर में ग्रिल है, नंबर प्लेट के लिए जगह, एयर डैम, सिल्वर स्किड प्लेट्स। उसके अलावा बात करूँ तो आप देख सकते हैं फॉग लैम्प कवर में आपको एक वेंट दिया गया है, सिल्वर स्किड प्लेट है, हैलोजन हेडलैम्प्स आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। चलिए अब चलते हैं इसकी साइड लुक की तरफ। पूरी साइड प्रोफाइल आप इस टाइम देख पा रहे हैं और कमेंट्स में बताएं आपको कैसा लग रहा है। यहाँ पे दोस्तों एक और डिफरेंस आ जाता है इसके राइवल से, व्हील कवर्स तो दोनों में ही आते हैं बट यहाँ पे साइज़ है 2160R16 और राइवल में 15 in के आते हैं। ये मिरर्स एडजस्टमेंट के साथ हैं बट ऑटो फोल्डिंग नहीं है। बात करें रूफ़ की तो रूफ रेल्स इसमें नहीं आते हैं जबकि राइवल में दिए गए हैं और एंटीना दोनों में ही नॉर्मल आता है। ये कुछ लुक हो गई इस गाड़ी की फ्रंट से। मुझे इस गाड़ी की फ्रंट लुक काफ़ी इम्पोजिंग लग रही है इस टाइगर नोज ग्रिल के साथ। और चलिए अब बात कर लेते हैं साइड में और क्या क्या चीज़ें दी गई हैं और क्या चीज़ें मिस कर दी गई हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको दिखा देता हूँ, ऑल अराउंड क्लैडिंग दे दी गई है जो कि एक काफ़ी अच्छी बात है और SUV इसका एक कैरेक्टरिस्टिक है, बॉडी कलर डोर हैंडल्स। उसके बाद आपको बी पिलर ब्लैक एंड मिलेगा, आप देख सकते हैं, और मिरर्स आपको ऑलरेडी बता दिया है, बाकी मिरर्स का व्यू काफ़ी अच्छा है और डुअल टोन फिनिश के साथ ये मिरर्स आते हैं। चलिए और देख लेते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कुछ ऐसा लुक आ रहा है और क्वार्टर ग्लास भी प्रोवाइड करा दिया गया है। यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक का टच मिलेगा। और आ गए हैं रेयर की तरफ, तो लोगो कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है नया वाला। और देखें तो यहाँ पे क्या क्या प्रोवाइड किया गया है बता देते हैं एक बार। पहले दूर से एक लुक ले लें और लाइटिंग के लिए दोस्तों माफ़ी चाहूँगा। ये देखिए सबसे पहले एंटेना यहाँ पे नॉर्मल दिया गया है, माइक्रो एंटेना जैसे कहते हैं। हाई माउंट स्टॉप लैम्प प्रोवाइडेड है, डिफॉगर नहीं है जबकि राइवल में दिया जाता है, और वाइपर दोनों में ही नहीं आता है। ये टेल लैम्प्स को कनेक्ट करता हुआ रिफ्लेक्टर, हैलोजन टेल लैम्प्स आती हैं इसमें भी, और सोनेट की बैजिंग करी गई है। नीचे देखें तो यहाँ रिफ्लेक्टर्स दिए गए हैं, स्किड प्लेट दी गई है और नंबर प्लेट के लिए जगह दे दी गई है। दो सेंसर्स प्रोवाइड कराए गए हैं और सेंसर्स ज़्यादा दिए जाते तो ज़्यादा अच्छा रहता। लेफ्ट साइड में फ्यूल फिलर कैप मिलेगा। और चलिए अब बारी आ गई है इंटीरियर की तरफ बढ़ने की। तो यहाँ पे आपको सिल्वर का एक टच दिया जाएगा और चार स्पीकर्स का सिस्टम आता है इस गाड़ी में, म्यूज़िक सिस्टम भी आपको सुनाएंगे, बाकी सभी तरह के कंट्रोल्स प्रोवाइडेड हैं और बॉटल होल्डर्स आप देख सकते हैं। उसके अलावा बात करें तो सीट हाइट एडजस्टमेंट इस गाड़ी में आती है जबकि राइवल मिस कर चुका है। कीज़ आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ और कोई स्टार्ट स्टॉप बटन का ऑप्शन इसमें आपको नहीं मिलता, मैनुअली की इंसर्ट करनी पड़ेगी। स्पीडोमीटर की बात करें तो कहीं ना कहीं वेन्यू से ये ज़्यादा बेटर दिखाई देता है, आप देख सकते हैं। और अगर बात करें तो ये ऑल अक्रॉस द रेंज सेम रखा गया है जो कि एक काफ़ी अच्छी बात है। आपको पता है कुछ ब्रांड्स अपने बेस वेरियंट या लोअर वेरियंट्स में अलग स्पीडोमीटर देती हैं,
जो कि बिल्कुल भी सही बात नहीं है। सभी तरह के ऑप्शंस और कंट्रोल्स आपको दिखाई दिए हैं। अब आ जाते हैं स्टेयरिंग पे, तो आप देख सकते हैं कितने प्रीमियम कंट्रोल्स यहाँ पे दोनों ही साइड दे दिए गए हैं, जबकि राइवल में राइट साइड कोई कंट्रोल्स नहीं आते हैं। इस इवेंट्स के अराउंड सिल्वर गार्निश, हेडलैम्प लेवलर, म्यूजिक सिस्टम यहाँ प्रोवाइड कर दिया गया है टू डिन का, और आप देख सकते हैं छोटा सा इसमें स्क्रीन भी प्रोवाइडेड है। और बात करें तो सेंटर में भी एसी वेंट्स और एसी को ब्लोअर स्पीड आप ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं। हजार्ड लैंप स्विच, एसी कंट्रोल्स, काफ़ी सही तरह से लेआउट रखा गया है। और ऑल ब्लैक इंटीरियर में जो सिल्वर के इंसर्ट्स रखे गए हैं काफ़ी अच्छे दिखाई देते हैं। यूएसबी सॉकेट, थोड़ी स्पेसिंग, नॉर्मल गियर नॉब मिलेगा, साथ ही कप होल्डर और मोबाइल होल्डर के लिए जगह बनाई गई है। और देख लें तो यहाँ पे आर्मरेस्ट प्रोवाइडेड है थोड़ी स्पेसिंग के साथ, ये आप देख सकते हैं। हालांकि लाइटिंग में काफ़ी ज़्यादा इशू है शोरूम में, सेमी लेदरेट सीट्स विद वाइट स्टिचिंग। और अगर बात करूँ तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे मोबाइल होल्डर नहीं दिया गया है, जबकि वेन्यू में यहाँ स्पेसिंग आती है। यहाँ कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा है आप लोगों को और मुझे भी वीडियो में एटलीस्ट, बट कूल ग्लव बॉक्स मिस कर दिया गया है जो इसके राइवल वेन्यू में आता है, और फोल्डर में किया का नया लोगो आ चुका है। चलिए ये तो कुछ बात हो गई इसके फ्रंट इंटीरियर की, और देख लें तो यहाँ पे केबिन लैंप्स और सनग्लास होल्डर दिया गया है जो वेन्यू में मिस कर दिया गया है एस वेरिएंट में। और आप देख सकते हैं यहाँ पे मिरर प्रोवाइड है पैसेंजर साइड, उसके अलावा बात करूँ तो ग्रैब हैंडल्स दिए गए हैं, और यहाँ पे टिकट होल्डर है ड्राइवर साइड। बाकी आप मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं IRVM को डे नाइट के हिसाब से। और चलिए चलते हैं इसके रेयर की तरफ। रेयर में अगर बात करूँ तो कुछ ऐसा लुक देखने को मिलेगा, और कोई भी चीज़ फ़र्क नहीं किया गया है, किसी भी तरह का लेदर का यूसेज नहीं है डोर्स पे, बट ओवरऑल आउटलुक एक सही आता है। और ये आप देख सकते हैं तीन हेडरेस्ट दिए गए हैं जबकि राइवल में दो आते हैं, अंदर बैठ जाते हैं और स्पेसिंग के बारे में एक आइडिया दे देते हैं। तो इस टाइम मेरे को सीट आगे करके बैठना पड़ा क्योंकि सोनेट और वेन्यू के अंदर लंबे बंदों के लिए थोड़ी सी कम जगह देखने को मिलती है। इंटीरियर का लुक कुछ ऐसा देखने को मिलता है, और सीट बैक में डुअल पॉकेट्स दी गई हैं जो कि एक काफ़ी अच्छी बात है। ऊपर एक पॉकेट है और नीचे एक अलग पॉकेट है। रेयर एसी वेंट्स दे दिए गए हैं, और यहाँ भी सिल्वर गार्निश है, यूएसबी सॉकेट और थोड़ी सी स्पेसिंग प्रोवाइड कर दी गई है। चलिए अब चलते हैं इसके बूट की तरफ। तो 392 लीटर का बूट स्पेस है, और रिक्वेस्ट सेंसर यहाँ प्रोवाइड कर दिया गया है। उसके अलावा बताऊँ तो दोस्तों एक मेजर मिसिंग चीज़ है यहाँ पर, राइट साइड में हुक दिया गया है और लेफ्ट साइड में कुछ नहीं है। हालांकि आपको जगह दे दी गई है कि आप बूट लैंप लगवा सकें, बट यहाँ पे जो मिसिंग चीज़ मिलेगी वो है पार्सल ट्रे, जो इसके राइवल में दी जाती हैं बट इसमें नहीं आती हैं। स्पेयर व्हील की बात करें तो स्टील व्हील ही है, और साइज़ की बात करें तो 195/65R16, मतलब सेम साइज़ रखा गया है टायर्स का। इसके अलावा बात कर लेते हैं तो बूट को बंद कर देते हैं, यहाँ पे हेलोजन लाइट्स का यूज़ किया गया है। और अब आपको टेल लैंप्स का एक आउटलुक दिखा देते हैं कि कैसा आ रहा है। और ये देखिए हेलोजन लाइट्स हैं, हालांकि हार्ट बीट इफेक्ट जो किया बोलता है वो इनमें भी दिया गया है। ब्रेकिंग की बात करूं तो आपका एक पार्ट ऑफ लैंप जलता है, और आप देख सकते हैं इस टाइम हाई माउंट स्टॉप लैंप की पोजिशनिंग भी काफ़ी सही है, ये देखिए। और ओवरऑल एक लुक काफ़ी वाइड आता है गाड़ी का अगर आप रेयर लुक से इसे जज करें। इसके बाद दोस्तों आपको ऑडियो सिस्टम सुनाते हैं, और एंड में अपने वर्डिक्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों जैसा आपने देखा किया सोनेट STK का पूरा वॉक अराउंड, और कहीं ना कहीं कंपैरिजन आपको वेन्यू S से इसी वीडियो के बीच हमने प्रोवाइड करा दिया है। तो जहाँ तक मेरे को लगता है, मैं अगर अपनी जगह गाड़ी खरीद रहा होता तो मैं कंसिडर करता सोनेट STK को। हालांकि दो चार फीचर उसमें ज़्यादा हैं, दो चार फीचर इसमें ज़्यादा हैं, बट किया की ब्रांड वैल्यू प्लस इस गाड़ी की लुक्स, जी हाँ दोस्तों लुक्स एक बहुत बड़ा मैटर बन जाता है जब आप मिनी SUVs की मार्केट में खड़े हों।
बिकॉज कॉम्पिटिटर्स अनेक हैं और गाड़ी आपको लेनी एक है। इसी थॉट के साथ मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो में। अगर आपको इस गाड़ी की या किसी भी गाड़ी की इंक्वायरी करनी हो किया की, तो हम आ जाएँ रंज किया बहादुरगढ़ में, और इनकी दूसरी ब्रांच रोहतक में भी अवेलेबल है। स्क्रीन पर दिए गए नंबर से आप इन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो में। धन्यवाद।